ऋषिकेश में कूड़ा घर को लेकर लोग गुस्से में हैं और पिछले 1 सितंबर से धरने पर भी हैं। इसके बावजूद इस समस्या का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। ऋषिकेश में इस समय सबसे अहम मुद्दा कूड़ा घर बना हुआ है, जिसको लेकर 1 सितंबर से स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं। कई बार लोगों के द्वारा बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन आज तक इस समस्या का हल कोई नहीं निकाल पाया। इस बीच स्थानीय लोगों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय जाकर इस गंभीर विषय पर चर्चा की, जिस पर खानपुर विधायक ने वकील कपिल सिब्बल से बातचीत की और इस मामले को कोर्ट ले गए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि हमारी आज तक किसी ने नहीं सुनी, ना किसी ने हमारा साथ दिया। निशंक इस पूरे मुद्दे से परिचित थे, लेकिन वह पूरी तरीके से इससे अनजान बने रहे। अब उनका आने वाले समय में विरोध किया जाएगा। यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं 80-90 साल के, और यहाँ पर ऐसी देश में उनका पति रक्षा कर रहा है बॉर्डर पे, और वो यहाँ धरने पे बैठी, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। अब हमारी एक आशा है, मुझे भी आशा है कि उमेश कुमार जी इसमें स्टे जरूर लेके आएंगे। अगर स्टे भी आ गया वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। उड़ा कर तो जनता तो हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हम बैठे धरने पे, धरना हम नहीं छोड़ेंगे। समाधान निकालेगा इस कूड़ा घर को। हमारी ये मांग नहीं है कि ये निरस्त होए, लेकिन 2-3 किलोमीटर कुछ भी दूर जा सकता है, और इतना इनको करना पड़ेगा। और क्योंकि बिल्कुल ही जहाँ जनता वहीं जनता वहीं कूड़ा, ये इतना बड़ा कूड़ा घर नहीं देख रहा। भाई साहब वहाँ गए और उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है। एक उमेश कुमार भाई साहब हैं जिन्होंने बोला कि ये अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए हमने उनसे विनती है कि हमारा साथ दें और इस कूड़ा घर को दूर करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।